Hello friends, welcome to Tala Parichay. We are on the second episode of Ada Chautal. In the last episode, we heard Pandit Ravi Shankar play a Bhimpalas on his sitar, where he showed the aroha avroha of Bhimpalas and also counted the 14 beats of Ada Chautal to show what it sounded like. In this episode, we will go a bit deeper into Ada Chautal. We will listen to Pandit Suresh Tavalkar share his thoughts about Ada Chautal, why it is called Ada Chautal, what is Ada about it, what is peculiar about it. And then we will watch a clip from Suresh Ji's Tale Yatra, which was on Ada Chautal. So let us watch the animated video of Ada Chautal first. Din tera kita din na tin na kat. ता तिरकिट धिन ना धिन धिन ना धिन धिन त्रक धिन ना तिन ना कत्ता त्रक धिन ना धिन धिन ना धिन. So I requested Suresh ji to talk about Ada Chautal, to show us what it is like, to show its khali bhari, to show its divisions and so on, and to tell us why it is called Ada Chautal. What is Ada about it? What is offbeat about it? What is peculiar about it? What is different about it from the other 14-beat tals? So let's watch this video where I have spoken to Pandit Suresh Tavalkar about Ada Chautal. Guruji, namaskar. Namaskar. सबसे पहले ताला परिचय में आके हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद. अभी ताला परिचय में आड़ा चौताल का विषय चल रहा है और आड़ा चौताल के बारे में आपके कुछ विचार, उसका विभाजन कैसे होता है, उसकी खाली भरी कैसे होती है, ये हमारे दर्शकों के लिए ज़रा कृपया समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. एक तो आड़ा चौताल मतलब प्रचलित तालों में से है, फिर भी अप्रचलित जैसे उसका व्यवहार है. और वो क्यों है आड़ा चौताल, ये उसको बाद में नाम पड़ा जी. पहले एक जमाने में उसको आड़ा ही कहते थे. अच्छा. और आड़ा कहने का मतलब था, पर्पस था, उसके पीछे उसकी धारणा थी, वो भी मैं बताऊंगा जी. इसका विभाजन पहले कैसे है कि जिस ताल का विभाजन दो 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 दो, आप समझ गए जी, जी. ये विभाजन है उसका जी. दो 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 दो, ये विभाजन समविजा विभाजन होने के बावजूद भी ये आड़ा क्यों है, ये सवाल आता है जी. और ऐसी कौन सी खासियत है कि जिसकी वजह से उसको आड़ा कहते थे. वो हमारे गुरुजी ने सिर्फ एक बार पढ़न करके बताया. अच्छा. अब मेरे गुरुजी की, वैसे मेरे गुरुजी सभी जानते हैं आप, पंडितनाथ नागेशकर गुरुजी जी, गजेंद्रराव जोशी जी, निवृत्ति बोस सरनाईक, विनायकर घांगरेकर जी और रामनाथ ईश्वरन जी, ये सारे गुरुजी में विनायकर घांगरेकर जी जो थे, उनका फेवरेट ताल आड़ा चौताल था. अच्छा. और झपताला था. अच्छा. बहुत फेवरेट था. और वो आड़ा चौताल में वादन करते थे, नहीं तो झपताल में करते थे, तीन ताल रूपक में बहुत कम करते थे. अच्छा. वादन तो उनकी एक ये खासियत थी. तो मैंने उनसे तालीम ली और तालीम लेते लेते उन्होंने कहा, आड़ा चौताल कितना आड़ है, कितना आड़ है करके पढ़न करके बताए. अभी एक दो 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 जी, ये उसका डिवीजन है जी. तो कैसे होता है कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये कहने से आड़ नहीं होता है. हाँ. तो आड़ कहाँ होता है? अच्छा. हाँ. कि ठेके का उच्चारण करते हैं तब आड़ हो जाता है जी.
दिन तिरकट दिन ना दिन ना कत्ता तिरकट दिन ना दिन तिरकट दिन ना दिन ना कत्ता तिरकट दिन ना दिन दिन ना। आप दूसरे कौन से भी ताल के ठेके लीजिए उसमें तिरकट शब्द पे ताली भी नहीं है और खाली भी नहीं है, ना शब्द पे ताली भी नहीं है और खाली भी नहीं है। ये एक ही प्रचलित ताल ऐसा है कि जिसमें तिरकिट और ना पे टाली आ रही है जी, और जिसकी वजह से वो कितना आड़ा हो रहा है। देखिए ये अगर उसका मतलब नहीं समझे तो दूसरा पढ़न करने वाला कैसे कहेगा दिन तिरकिट दी ना ती ना कत्ता तिरकिट दी ना दी दी ना, ये कहेगा। वो जो आड़ी है दिन तिरकिट दिन ना दिन ना कत्ता तिरकिट दिन ना दिन दिन ना दिन तिरकट दिन दिन ना कत्ता तिरकट दिन। अब तिरकट पे खाली आ रही है तिरकट दिन ना दिन दिन ना दिन पे खाली आ रही है। हाँ तो डिवीजन ताल की समय है जी, लेकिन ठेके की रचना ऐसी है कि जिसकी वजह से वो पूरा आड़, तो इसीलिए उसे आड़ा चौथा, उसको आड़ा ही कहते थे एक जमाने। अच्छा, आड़ा बजाइए तो मतलब ये बहुत ही सुंदर ताल है आड़ा चौताल। ज्यादा आड़ा चौताल कौन गाए गायक लोगों में, बड़े बजे बुआ रामकृष्ण बुआ बजे वो बहुत गाते थे। अच्छा, इसको और उनकी वजह से तो हमारे गुरु जी का आड़ा चौताल के ऊपर और बजाने का असर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा ये प्रश्न रहता था कि इसका नाम आड़ा ऐसे क्यों है, आड़ा चौताल क्यों है, तो आपने जिस तरह से समझाया बहुत अच्छी तरह से, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी तरह से पता चला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो लेट अस नाउ वॉच अ शॉर्ट क्लिप फ्रॉम ताले यात्रा ऑन आड़ा चौताल। ताले यात्रा इज अ वंडरफुल स्टेज प्रोडक्शन कंसेप्चुअलाइज्ड डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय पंडित सुरेश तळवलकर। इन द इंडियन आर्ट ट्रेडिशन संगीत एनकम्पासेस नॉट जस्ट वोकल म्यूजिक बट वोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड इवन डांस, एंड ताले यात्रा यूजेस ऑल दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ संगीत टू शो टू डिपिक्ट टू पोर्ट्रे अ ताल। And this Talayatra is on Ada Chautal. So this particular Talayatra has vocal by Pandit Raghunandan Panchikar. It has sitar by Shri Ravichari. And it has flute by Shri Sandeep Kulkarni. And the Kathak part of it is performed by Shrimati Shama Bhatte's students. Oh,
the next episode of Adato Tal, which is the third and the final episode, we are going to listen to a Hamsadhwani sung by Pandit Rasiklal Andharia. And then we will listen to a Trivat in Rag Madhuvanti sung by Vidushi Veena Sahasrabuddhe. So keep watching. If you like this video, please support us by subscribing to the RagaQuest channel on YouTube.